डीएनएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं मैथ का पोर्शन, हम लोग देखते हैं पार्ट बी। जैसे पार्ट ए आप लोगों को एक दूसरे टीचर पढ़ा रहे होंगे हम लोग को, ठीक ना आप लोगों को, तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पार्ट बी का पोर्शन हम लोग देखना है, ठीक है ना। पार्ट बी में क्या क्या है, अब जैसे ये हमारा रहा बीएससी सेकंड सेमेस्टर का हम लोग का पार्ट बी का सिलेबस, जो कि चार यूनिट में कवर है। पहला हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सिस्टम ऑफ कॉनिक, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक, कॉन्फोकल कॉनिक। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम ट्वेल्थ में पोर्शन पढ़े हुए कॉनिक के बारे में, जैसे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो उनके जनरलाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं, उनके एक जनरल इक्वेशन के बारे में। जैसे वहाँ हमने केवल पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, तो स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं। यहाँ पे क्या है, जनरल जानेंगे कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमको किस तरीके से कॉनिक हमको रिप्रेजेंट करता है। फिर है सिस्टम ऑफ कॉनिक, सिस्टम ऑफ कॉनिक मतलब बहुत सारे कॉनिक का एक जनरलाइज इक्वेशन, फैमिली ऑफ इक्वेशन जिसको बोलते हैं। फिर ट्रेसिंग, कि किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को अगर हम चाहें कि कॉनिक में ट्रेस करना, तो कैसे कॉनिक, माने उसके कॉनिक हम ट्रेस करेंगे, कॉनिक किस तरह का बनेगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमको जानना है, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके पोलर इक्वेशन के बारे में, मतलब हर कॉनिक का हम लोग कार्टेशियन और पोलर दोनों सेगमेंट हम लोग चेक देखेंगे। सेकेंड यूनिट हम लोग का है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में होता है कि एक्स वाई जेड एक्सिस से जो सिस्टम हमारा बनता है स्पेस में, ठीक। तो ये ट्वेल्थ का टॉपिक है अप्रॉक्सीमेटली, ये सारी चीज़ें ट्वेल्थ में लगभग पढ़ी गई है, ठीक ना। ट्वेल्थ चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे कुछ भी, तो हर जगह पढ़ाया जाता है। तो थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम, डायरेक्शन, कोसाइन, रेशियो, प्रोजेक्शन, प्लेन, स्ट्रेट लाइन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। प्लेन स्ट्रेट लाइन के जितने फार्मूले हैं सब कुछ हम लोग देखेंगे। थर्ड में एक नया टॉपिक आ गया, पढ़ने को तो टेंथ क्लास में इस टर्म के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक ना, सब कुछ पता होगा कि आखिर क्या होता है, लेकिन यहाँ हम लोग उनके जनरल इक्वेशन के बारे में सीखते हैं। टेंथ क्लास में हम लोग क्या देखते हैं, स्फीयर कोन सिलेंडर के सरफेस एरिया, वॉल्यूम के बारे में, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे चलिए उसका इक्वेशन क्या होता है हमारा, किस इक्वेशन को देख के हम बताएंगे कि स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, इस तरह की चीज़ें। और लास्ट हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड, ठीक ना। तो कॉनिकॉइड मीन्स है कॉनिक, मतलब कॉनिक का थ्री डायमेंशनल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द कॉनिकॉइड, ठीक है। अब थ्री डायमेंशनल फॉर्म किस तरह का, जैसे सर्कल है, सर्कल को अगर हम रोटेट करें तो हमको रोटेट करें तो क्या बनता है, स्फीयर। उसी तरह इलिप्स को अगर हम रोटेट करें तो हमको क्या बनेगा, इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड मीन्स होता है एक शेप, ठीक ना, अंडे का शेप। तो अंडे को बोलते हैं हम लोग जनरली इलिप्सॉइड, ठीक ना, इलिप्स का हुआ थ्री डी फिगर हम लोग का, ठीक। उसी तरह आता है पैराबोला से पैराबोलाइड, पैराबोला को हम स्पेस में रोटेट करा दें उसके मेजर एक्सिस के लॉन्ग या किसी भी एक्सिस के लॉन्ग, तो हमको बनता है पैराबोलाइड। उसी तरह हाइपरबोला से हाइपरबोलाइड बनेगा, वन एंड टू सीट, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे लास्ट यूनिट, ठीक है। तो अब हम लोग पहले से फेमिलियर हैं इस टॉपिक से, ठीक ना, क्लास ट्वेल्व से हम लोग इस टॉपिक को पहले से जान रहे हैं, तो हम लोग का फोकस होगा कि पहले हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं कि ये हम लोग को यूनिट ज़्यादा बढ़िया से पता है। पता तो ये भी है फर्स्ट वाला भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरल इक्वेशन देखना है हमको। तो फिलहाल हम लोग पहले सेकेंड एंड थर्ड यूनिट कवर करते हैं, जो थोड़ा सा हमारे लिए नंबर में भी फायदा देगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमको ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। चाहे एम सी क्यू हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, दोनों केस में ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ज़्यादा। फर्स्ट और लास्ट यूनिट को हम लोग लास्ट में देखते हैं, ठीक ना। पहले हम लोग इन दो यूनिट को कवर करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं, तो यही हमारा है, तो थ्री डी ज्योमेट्री से हम लोग शुरू करते हैं, मतलब थ्री डी के कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो थ्री डी जानने के पहले हम लोग देखेंगे टू डी हमारा क्या होता है, पहले टू डी जानेंगे उसके बाद थ्री डी जानेंगे, ठीक है। देखते हैं थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है, इसी के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है थ्री डी कोऑर्डिनेट। इसमें दो तरह के सिस्टम हम लोग जानने, दूसरा मतलब टू डी एंड थ्री डी। टू डी बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग चूँकि क्या है कि अब थ्री डी पढ़ रहे हैं, तो टू डी के होते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो टू डी का मतलब क्या हुआ कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है ना, टू परपेंडिकुलर एक्सिस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, देन दिस इज सेड टू बी द कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज द एक्स एक्स डैश एंड ये हो गया वाई वाई डैश, दिस इज द ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एक को बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी होती है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी होती है वाई एक्सिस, ठीक। ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को देखते हुए, क्योंकि समझने वाली चीज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितना अच्छे से समझोगे उतना फायदा होगा।
तो अब देखते हैं, तो x हो गया, y हो गया, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम, जो कि हमारा प्लेन में बनता है, 2D, क्या है प्लेन, क्या हमारा 2D स्पेस कहा जाता है, टू डायमेंशनल स्पेस, टू डायमेंशनल मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, कंटेनिंग लेंथ एंड ब्रेथ, तो जहां लेंथ और ब्रेथ दिखाई दे उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम लोग 2D सिस्टम, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पहले थोड़ा सा 2D के बारे में, बाद में हम लोग देखेंगे 3D के बारे में कि 3D हमारा क्या होता है। तो पहले 2D को एक बार समझ लें। तो ये 2D का काम ये होता है कि पूरे प्लेन को ये चार भागों में डिवाइड करता है, कितने, चार पार्ट में, कौन कौन से चार पार्ट होते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हर पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है ना, हर पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो एक एक पार्ट हमारा चार भाग में पूरा प्लेन हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना, तो पूरा प्लेन हमारा चार भाग में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो ओरिजिन के जो राइट साइड का पोर्शन है ये होता है पॉजिटिव, ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड का एक्स एक्सिस पोजिशन वो क्या है, निगेटिव, ओरिजिन के ऊपर का जो पोर्शन है वाई एक्सिस पे यह है पॉजिटिव, ये हो गया हमारा निगेटिव, ठीक है ना, तो नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में निगेटिव हमारा, तो यही हमारा होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा, ठीक ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D स्पेस में। अब अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं भाई, कोई प्लेन में क्या होता है, कोई पॉइंट हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लेते हैं, ऑर्डर पेयर मतलब पहला एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा एलिमेंट वाई कोऑर्डिनेट, जैसे कोई भी पॉइंट हमने लिया एक्स वाई, तो ठीक है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। तो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो बताता है कि एक्स एक्सिस पे कितने कहाँ पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट बताता है कि वाई पे हमारा कहाँ है, ठीक। तो जैसे अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हम लेंगे तो ये क्या बताएगा, प्लस प्लस के फॉर्मेट में, मतलब अगर कोई पॉइंट 2, 3 हमने लिखा तो इसका मतलब वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको। फिर उसी तरह सेकेंड में अगर कोई पॉइंट लोगे तो निगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्मेट में मिलता है, कि पहला उसका माने एक्स कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट उसका पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में जाएंगे तो हमें दोनों नेगेटिव मिलता है, थर्ड में हमें दोनों नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, एंड फोर्थ में हमारा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। तो पॉइंट को देख के हम बता सकते हैं कि पॉइंट हमारा किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 2-3, ठीक है, 2-3, अब 2-3 ले रहे तो साफ साफ दिख रहा है वाई नेगेटिव है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट देख के हम इजीली बता सकते हैं कि पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा। अब जरा हम लोग देखें इसको कहाँ पे, कि अब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम लोग कैसे बताते हैं 2D सिस्टम में। तो बहुत सिंपल है, फार्मूला सबको ही पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें वेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मतलब IJK के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा क्या है एक्स, ये क्या है एक्स डैश, ये क्या है वाई, ये क्या है वाई डैश, ठीक है। तो यही पॉइंट, यही एक्सिस अगर हम आर्गेंड प्लेन में ले लें, ठीक है ना, तो आई एक आर्गन छोड़े वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पॉइंट कोई लिया गया, दिस इज द पी पॉइंट, ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई। अब इसको हम अगर IJK के फॉर्म में लिखना चाहें, IOJ के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसको यहाँ देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्स, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया वाई हमारा। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, मान लो अगर ये वेक्टर आर है हमारा, तो आर इज इक्वल टू हमने लिखा xi + yj। तो चाहे तो हम वेक्टर फॉर्म में भी हर पॉइंट को हम लोग चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली, जैसे जो पॉइंट कार्टेशियन में है वही पॉइंट हम वेक्टर में भी लिख देंगे, बस करना क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ i लगा देना है, वाई के साथ हमको j लगा देना है, ठीक। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्मेट। अब जैसे कि हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे मान लेते हैं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई दो पॉइंट हमारा है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, जैसे कोई दो पॉइंट हो गया, एक हो गया यहाँ, एक हो गया ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट। P में क्या आ गया X1, Y1, दूसरा पॉइंट हो गया X2, Y2, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये चीज़ पूछ रहा है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो इजीली देख सकते हैं, ठीक ना, वेक्टर फॉर्म में हम देखना चाहें तो आराम से, जैसे ये हमने ले लिया R1 वेक्टर, ये ले लिया हमने
आर टू वैक्टर, ठीक है ना, दोनों को ले लिए, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया हमारा, ये वाई डैश हो गया, ठीक। तो अब आर वन वैक्टर जो होगा वो किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, और आर टू वैक्टर किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, ठीक है ना। दो वेक्टर हमने ले, अब हमको चाहिए पी क्यू डिस्टेंस, तो पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, पी क्यू। तो पी क्यू अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, ट्वेल्थ क्लास के वेक्टर में पढ़े होंगे कि अगर किसी पी क्यू वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पी लेके चलते हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ, जिसको हम ट्रैंगल लॉ से भी चाहे तो जनरेट कर सकते हैं। आर वन प्लस जैसे ओ पी प्लस पी क्यू इजिकल टू ओ क्यू, अगर इसको लिखना चाहें हम तो ट्रैंगल लॉ से, तो ए पी प्लस पी क्यू इजिकल टू ओ क्यू हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो पी क्यू कितना आ गया, ओ क्यू माइनस ओ पी आ गया हमारा, ठीक। अब ओ क्यू कितना है हमारा, आर टू वैक्टर, ये कितना है आर वन वैक्टर। अब आर टू हमारा कितना है यहाँ पे, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। तो ये निकल गया पी क्यू वैक्टर, ठीक है ना, पी क्यू। अब हमको चाहिए इसका डिस्टेंस कि चलो भाई पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया। तो ये तो वेक्टर निकला, तो अब हम क्या करेंगे, बस इसका मॉड लगा देंगे, यानी उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ आई होल स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे, ठीक है ना, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो देख रहे हैं, तो टू डी सिस्टम में, टू डी सिस्टम में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग किस फॉर्म से निकाले, फार्मूले से, किस मेथड से, वेक्टर मेथड से। चाहे तो कार्टेशियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्टेशियन से भी करना कोई बहुत टेढ़ा काम हमारे लिए नहीं होता, उससे भी कार्टेशियन से तो टेंथ क्लास में किए भी हो। मेन हमको यहाँ देखना है वेक्टर फॉर्म से, वेक्टर पे कमांड करना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस ये कहता है कि प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन को हमको दोनों फॉर्मेट में पढ़ना है, कार्टेशियन फॉर्म में भी एंड वेक्टर फॉर्म में भी, ठीक है ना। तो इसलिए वेक्टर पे कमांड करना जरूरी है थोड़ा सा। हर एक क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कार्टेशियन से भी सॉल्व करें एंड वेक्टर से भी सॉल्व करें, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 3D सिस्टम पर, तो ये हमारा हो गया 2D। अब यही सेम फार्मूला हम लोग 3D में भी चाहे तो अप्लाई करेंगे, अभी हम आगे दिखाएंगे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं 3D में, इसको अप्लाई करके देखेंगे, फिर सेक्शन फार्मूला देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम को बढ़िया से समझना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, उसमें मिड पॉइंट क्या है हमारा, इंटरसेक्शन फार्मूला हमारा क्या है, ठीक ना, सारी चीज़ें, तो इसको अच्छे से जाननी है। अब बारी आती है हमारा 3D सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है। तो अब जरा देखो 3D मेन है, 3D मतलब थ्री डायमेंशनल, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें दिखाई दे, ठीक ना, जहाँ ये तीनों चीज़ें दिखाई दे उसको हम लोग बोलते हैं 3D सिस्टम, 3D मतलब थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, इसमें तीन एक्सिस होते हैं हमको, ठीक है ना, जिनको क्या इसमें होता है क्या है, जैसे पूरा स्पेस हमारा है, ठीक है ना। अभी हम लोग 2D में क्या देखे थे, एक प्लेन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे चार भाग में, एक प्लेन को हमने चार भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि कोई भी प्लेन फाइनाइट नहीं होता, प्लेन मतलब इनफाइनाइट, ठीक ना, जहाँ तक वो जा सके। वैसे ही हम अपने पूरे स्पेस को आठ भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे आठ भाग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब ये समझो जरा सा। एक हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस, एक लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस, एक लेते हैं हम लोग जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो तीन एक्सिस हम लोग को कंसिडर करना होता है, एक्स वाई एंड जेड, उससे हमें बनता है तीन प्लेन, ठीक है ना। तो पहले हम इसका एक जनरल फिगर बना के देखते हैं कि जनरल इसका फिगर कैसा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड, जैसे एक्स और वाई तो मान लो इस बोर्ड के प्लेन में हो गया, और ये जो जेड है ये हवा में है, ठीक ना, जेड जो है ये हमारा हवा में है, ठीक, इधर परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन।
अब ओरिजिन जो है, तीनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, उसका ओरिजिन जो है वो अपने मन से हम लोग लेते हैं। ओरिजिन तुम जहाँ चाहो वहाँ ले सकते हो, जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस, वो हमारा एजम्पशन है कि हम उसको कहाँ लेते हैं। अब मान लो हमको शहर का मैप बनाना है, शहर का मैप बनाना है तो शहर के सेंटर को मान लिया हमने ओरिजिन, अब वहाँ से सारी चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मान लो यूनिवर्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बताना है यूनिवर्स के बारे में कि हर प्लेनेट हमारा कहाँ है, तो हम पूरे मान सपोज कर लेते हैं कि भाई यूनिवर्स के सिस्टम में हम अर्थ को क्या कर ले, एक ओरिजिन मान ले, अर्थ का है ओरिजिन ले लेते हैं क्योंकि जम्पशन है, बहुत बड़े सिस्टम में अर्थ क्या है, एक पॉइंट की तरह हमारा, तो उसके ओरिजिन करके तीन एक्सिस हम बना के सारे प्लैनेट्स को, सेटेलाइट्स को, सबको हम बता सकते हैं वो कहाँ होगा, ठीक ना। तो ठीक उसी तरह हम लोग अपना तीन एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, तो कोई दो एक्सिस एक प्लेन में होगा और तीसरा उसके परपेंडिकुलर होगा। ओवरऑल ये तीनों एक्सिस जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, इस बात को हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब तीनों एक्सिस को हम लोग कैसे समझते हैं, जरा ध्यान देना। जैसे हम लोग यहाँ पर तीन एक्सिस ले रहे हैं, ध्यान से देखो, तीन एक्सिस हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये चीज़ हमको बोर्ड पे नहीं दिखाई देगा भाई, ये परपेंडिकुलर लाइन, अगर यहाँ ये परपेंडिकुलर है तो ये दिखेगा थोड़े हमको, ठीक है ना। तो चीज़ को ध्यान से समझो, अगर ये परपेंडिकुलर है यहाँ तो ये हमें नहीं दिखेगा, ठीक। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीन एक्सिस बनाते हैं, तीन एक्सिस एज्यूम करते हैं हम लोग, कौन कौन सा, पहले एक्स वाई जेड बनाते हैं। तो जैसे मान लो हमने बनाया एक्स वाई जेड एक्सिस, ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स वाई जेड हो गया। तो ये मान लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो ये प्लेन हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया एक्स जेड प्लेन, ये हो गया हमारा वाई जेड प्लेन। तो तीन प्लेन हो गए, एक्स वाई, एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन हमारा, तो तीन प्लेन मिला हमें। तो देखते हैं, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, इधर वाला पोर्शन हो गया वाई जेड प्लेन और ये वाला पोर्शन हो गया एक्स जेड प्लेन हमारा। तो तीन प्लेन हमको मिल गए, ठीक है, तीनों प्लेन मिलके। अब प्लेन भाई इतना ही नहीं ना, प्लेन तो भी पूरा है, इन्फाइनाइट है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये भी हमारा इन्फाइनाइट है, ये भी हमारा इन्फाइनाइट है। तो ये तीनों मिलके पूरे स्पेस को आठ भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितने भाग में, आठ, टोटल एट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमें, कितने पार्ट में, एट, ई आई जी एस टी, आठ भाग में हमको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। ठीक है ना, ऑक्टेंट। तो हर एक भाग को हम लोग ऑक्टेंट बोलते हैं, जैसे 2D में क्या था, उनको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक उसी तरह यहां पर उसको ऑक्टेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट। इसको याद रखना है हमको कि दिस इज द ऑक्टेंट। अब आठ भाग कौन कौन से होंगे जरा ये देखा जाए, तो आठ भाग हम लोग का होता है, जरा देखो यहां से, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव, इसके पीछे जाएंगे नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, पीछे आएंगे नेगेटिव, ये हो गया जेड, नीचे आएंगे नेगेटिव हमारा, ठीक है ना। तो तीन हमको पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया। अब ये एक्स वाई प्लेन है, तो पहला भाग तो ये हो गया, पहला ऑक्टेंट हमारा यहाँ हो गया, जहाँ तीनों क्वाड्रेंट, तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस हमको पॉजिटिव देंगे वैल्यू। तो आठ ऑक्टेंट हमको होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, टोटल आठ ऑक्टेंट होते हैं। अब जरा देखा जाए यहाँ पे एक्स वाई जेड का साइन क्या होगा, तो फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव, समझे बात को, फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव। अब देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यही हमारा होता है इसका काउंटिंग का प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहां से हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी हमेशा एक्स वाई प्लेन के ऊपर रहोगे। तो जब तक एक्स वाई प्लेन के ऊपर रहोगे, जेड क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जेड क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव अबव द एक्स वाई प्लेन। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों जगह पे हमें जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिलेगा, और नीचे के चारों कोऑर्डिनेट ऑक्टेंट में हमको, नीचे के चार ऑक्टेंट में हमको जेड नेगेटिव मिलेगा। तो जैसे ही हम एक्स वाई प्लेन के नीचे मतलब गहराई में जाएंगे तो जेड नेगेटिव हो जाएगा, मतलब चारों में जेड नेगेटिव, ऊपर चारों में जेड पॉजिटिव। तो इतना तो फिक्स हो गया कि जेड हम देख के बता सकते हैं, अगर जेड पॉजिटिव है तो अपर हाफ में होगा,
जेड निगेटिव है तो लोअर हाफ में होगा, किससे अपर हाफ, एक्स वाई प्लेन से, एक्स वाई के ऊपर रहेगा तो जेड पॉजिटिव, एक्स वाई के नीचे रहेगा तो जेड निगेटिव। ठीक, अब देखो यहां तो फर्स्ट, फर्स्ट के बगल में आया सेकंड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं, तो जैसे ही फर्स्ट के बगल में आओगे एंटी क्लॉकवाइज मूव करके तो एक्स निगेटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा एक्स, वाई तो इधर पॉजिटिव है लेकिन एक्स यहाँ निगेटिव दिखेगा, तो जब एक्स निगेटिव दिखेगा तो देखो यहाँ पे एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। अब आते हैं उसके पीछे, ये रहा थर्ड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट में देखो वाई भी निगेटिव एक्स भी निगेटिव, तो थर्ड ऑक्टेंट में एक्स भी निगेटिव एंड वाई भी निगेटिव हमें मिला और जेड हमारा पॉजिटिव मिल गया। ठीक है ना, जेड हमको पॉजिटिव हो गया। अब आ जाओ फोर्थ ऑक्टेंट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे ही फोर्थ में आओगे एक्स फिर पॉजिटिव हो गया, वाई अभी भी निगेटिव है, तो एक्स हमारा पॉजिटिव हो गया, वाई निगेटिव और ये जेड हमारा पॉजिटिव है क्योंकि अपर हाफ में है। अब आ जाओ फिफ्थ कहाँ होगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फिफ्थ कहाँ होता है, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि फर्स्ट के नीचे फिफ्थ आएगा, फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे हमारा फिफ्थ आता है। ठीक ना, इस बात को याद रखना है, फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, फिर एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह रोटेट करते हैं, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड एट्थ, ये चार नीचे के ऑक्टेंट हो गए। तो जहाँ यहाँ पांचवा ऑक्टेंट है पांच पहले के नीचे है, तो जो ठीक ना पहले के जस्ट नीचे है, तो फर्स्ट में अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो भाई ओबियस सी बात है फिफ्थ में भी एक्स वाई पॉजिटिव होगा, तो फिफ्थ में एक्स वाई पॉजिटिव होगा। देखो ये इससे कोरिलेट हो गया, केवल जेड में डिफरेंस आया ना, जेड यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब उसी तरह फिफ्थ के बगल में आता है सिक्स, तो सिक्स किसके नीचे हमारा, सेकेंड ऑक्टेंट के नीचे है, तो जो सेकेंड में साइन होगा एक्स वाई का वही ना हमको यहाँ सिक्स्थ में भी मिलेगा, तो सेकेंड में साइन है माइनस प्लस तो यहाँ भी माइनस प्लस, ओबियस सी बात है भाई यहाँ रहेंगे तो क्या होगा एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव हो गया। तो देखो सेकेंड ऑक्टेंट किससे कोरिलेट हो रहा है, सिक्स से, बस अंतर क्या है जेड के साइन में, देख रहे हो ना जेड वाला बस प्लस से माइनस हो जाए क्योंकि लोअर हाफ है, पहले ही बताए हैं कि लोअर हाफ में जाएंगे तो जेड इज ऑलवेज निगेटिव। अब उसी तरह सिक्स के बगल में आता है सेवन्थ ऑक्टेंट, सेवन्थ में क्या है एक्स वाई बोथ आर निगेटिव, तो एक्स वाई बोथ आर निगेटिव, तो ये हो गया थर्ड से कोरिलेट कर गया हमारा। ठीक ना, समझना है ध्यान से एक एक चीज, ये सब एक्स वाई को हम कोरिलेट करा रहे हैं, जेड तो पता है भाई एक्स वाई के ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव, एक्स वाई के नीचे रहेंगे तो निगेटिव। ठीक, अब उसी तरह सिमिलर है भाई फोर्थ से कौन कोऑर्डिनेट करेगा, एट्थ ऑक्टेंट, तो यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ भी प्लस माइनस हमारा। ठीक है ना, तो ऑक्टेंट में पॉइंट मतलब किस ऑक्टेंट में कौन सा हमें पॉजिटिव निगेटिव होता है, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। तो फिर से देख लो, जब एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, प्लस उसके बगल में एंटी क्लॉक वाइज सेकेंड, उसके पीछे थर्ड, फिर यहाँ फोर्थ, फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सेकंड के नीचे सिक्स, थर्ड के नीचे सेवन्थ, फोर्थ के नीचे एट्थ। ठीक है ना, एक्स वाई सब में सेम होगा, अंतर आएगा जेड का, अगर एक्स वाई के ऊपर हो तो जेड पॉजिटिव, एक्स वाई के नीचे हो तो जेड निगेटिव। ठीक है ना, अब एक चीज़ और देखा जाए, इस पर पॉइंट हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है ना, पॉइंट हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जैसे मान लो कोई पॉइंट हमने ले लिया P, दिस इज द एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो अब हम पॉइंट कैसे बताएंगे, आखिर एक्स कहाँ बनेगा, वाई कहाँ बनेगा, जेड कहाँ बनेगा हमको, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये होता है एक्स, वाई पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कहा जाएगा वाई, लेकिन अब जेड पे परपेंडिकुलर कैसे हम देखेंगे, अब यही चीज़ समझने वाली चीज़ है भाई, जेड पे परपेंडिकुलर कहाँ से दिखेगा। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग करते क्या है कि जैसे एक पॉइंट हमने पॉइंट ले लिया अपने मन से, ठीक है ना, यहाँ हमने पॉइंट ले लिया, ध्यान से देखो ये हमने पॉइंट ले लिया। ठीक, अब देखो, ठीक, अब देखो पॉइंट ले लिए, ये रहा पी, ये रहा पी, ध्यान से देखना पी, अब पी से हम क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे कहाँ, एक्स एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस हो गया एक्स, वाई पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो गया वाई,
यहाँ जेड पे परपेंडिकुलर, तो यही जेड है वाला परपेंडिकुलर पोर्शन है जो यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में, जो यहाँ नहीं दिख सकता। अब हम इस पर परपेंडिकुलर यहाँ से हवा में नहीं डालेंगे, तो ये हमारे परपेंडिकुलर पोर्शन है, ये क्या है इस तरीके से है। अब इस पर अगर हम पी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देख रहे हो ये वर्टिकल पोजिशन, यही हो गया जेड क्वाड्रेंट हमारा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट को हम लोग इजिली मेजर कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारा कहाँ होगा, ठीक है ना। तो जैसे कोई एक पॉइंट हम उन्हें लिख दें कि 3, 2, -3, 4 कहाँ जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है वाई निगेटिव। तो देखो फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव, उसके बगल में सेकंड होता है ऑक्टेंट, सेकंड में वाई निगेटिव, अब देखो आ गया ना वाई निगेटिव, तो सेकंड में वाई निगेटिव, ये कहाँ गया सेकंड ऑक्टेंट, देखो है ना, एक में सेकंड में एक्स निगेटिव हुआ, ये जाएगा हमको फोर्थ में, फोर्थ में जाएगा हमको जहाँ वाई निगेटिव मिलेगा। अब वही पॉइंट अगर हम -1, 3, 2 ले लें, तो देखो एक्स निगेटिव, तो एक्स निगेटिव कहाँ है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में, तो ये गया हमको सेकंड ऑक्टेंट में। अगर उसी तरह ले लिए -5, -3, 2 ठीक है ना, -5, -3, 2 एक्स वाई निगेटिव है, जेड पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर, एक्स वाई निगेटिव मतलब थर्ड ऑक्टेंट आ जाओ, तो कहाँ चला गया थर्ड ऑक्टेंट। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये पॉइंट कहाँ जाएगा 100, ये कहाँ जाएगा, अब ये समझना है। तो जरा इस बात को समझना कि जब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया जाता है, ठीक है ना, समझना ध्यान से, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या लोगे हमेशा α 0, 0, उसी तरह पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या लोगे यहाँ पे 0, β, 0, पॉइंट ऑन जेड एक्सिस क्या लोगे यहाँ पे 0, 0, γ, ठीक है ना। तो हमेशा इस बात को समझना है कि जैसे 100 कहाँ जाएगा एक्स एक्सिस पे, 200 एक्स एक्सिस पे, 012 जैसे ये कहाँ गया बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस क्योंकि 100 है, वही अगर 010 रहता 010 तो वाई एक्सिस पे जाता, 001 होता तो जेड एक्सिस पे जाता। सेम उसी तरीके से अब हमको देखना है पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लेना है अपने मन से, बात समझो ध्यान से, कि एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लेना है तो हम किस तरीके से लेंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान, ये रहा एक्स वाई प्लेन, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन को ध्यान से देखो, समझ में आएगा कि जेड यहाँ पे जीरो होता है, मतलब बराबर पे है ना, जमीन पे रहेंगे तो जेड जीरो, जमीन से ऊपर जाएगा तो जेड बढ़ेगा, जमीन से नीचे जाएंगे तो जेड घटेगा, यानी गहराई में जाते हैं तो जेड माइनस, हवा में जाते हैं तो जेड प्लस, लेकिन बीच में रहेंगे तो प्लेन पे रहेंगे तो जीरो। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन की खासियत है कि उसमें जेड क्वाड्रेंट हमेशा जीरो होगा, जेड जीरो होगा मतलब एक्स वाई तुम कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो, तो मतलब पॉइंट क्या लोगे α, β, 0। उसी तरह पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, सेम चीज जब वाई जेड प्लेन की बारी आएगी तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो 0, β, γ। और उसी तरह अगर हम पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन लेना चाहें तो जेड एक्स प्लेन पे क्या लोगे पॉइंट, तो इसमें देखो y 0 है ना, तो y 0 कर देंगे, तो α, 0, γ, देख रहे हो ना। तो यानी कोई पॉइंट देख के हम बता सकते हैं कि वह कहाँ जाएगा, जैसे अब हमसे कोई कहा -1, 3, 0 कहाँ जाएगा, अब देखो इसमें कौन सा क्वाड्रेंट जीरो है जेड, कौन सा क्वाड्रेंट जीरो है जेड, तो ये वहाँ जाएगा जिस प्लेन में जेड नहीं है, तो मतलब कहाँ गया एक्स वाई प्लेन पे। अगर हमने लिखा -3, 0, 4 इसमें y 0 है, मतलब ये किस प्लेन में जाएगा जेड एक्स में, ठीक है ना। अगर हमने लिखा 0, 0, -3 कहाँ जाएगा जेड एक्सिस पे जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट देख के बता सकते हैं कि पॉइंट कहाँ होगा, भाई पॉइंट कहाँ हो सकता है, या तो किसी ऑक्टेंट में, या तो किसी एक्सिस पे, या किसी प्लेन में, तीन ही जगह होते हैं, या तो ऑक्टेंट, या तो एक्सिस, या तो प्लेन। प्लेन में होगा तो कोई एक क्वाड्रेंट जीरो दिखाई देगा, एक्सिस पे होगा तो कोई दो क्वाड्रेंट जीरो दिखेगा, और ऑक्टेंट में होगा तो तीनों नॉन जीरो दिखाई देगा,
ठीक है ना, एक्स वाई जेड तीनों नॉन जीरो दिखाई देंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस में दिखेंगे। अगर प्लस माइनस में है समझ जाओ ऑक्टेंट में है, कोई एक जीरो है मतलब प्लेन में है, अगर कोई दो जीरो है तो एक्सिस पे हमको, ठीक है ना, तो इस बात को हमको दिमाग में रखना है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखें जरा पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा सा, ठीक है ना, कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है। वही सिंपल वेक्टर कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। तो जैसे देखो हमने दो पॉइंट ले लिया, एक P एंड Q, देख रहे हो ना, तो एक P हम लेते हैं, एक P लेते हैं, ठीक, और एक Q लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक P ले लिए, एक Q हमने ले लिया, दो पॉइंट हम लोग ले लिए, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम कहेंगे चलो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, x2 y2 z2 है, लेकिन उसी को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड r2 बराबर OQ इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्मेट, देख रहे हो ना, ये हो गया r1 और ये हो गया r2 वेक्टर फॉर्मेट। इससे थोड़ा सा हम लोग का समय बचेगा, समझने पे ज़्यादा जोर देना है हमको, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में समझना बहुत जरूरी है, ये सब एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा हमको, ठीक है ना, इस बात को दिमाग में उठा लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, कार्टेशियन फॉर्म में सबको ही किया होगा ट्वेल्थ क्लास में, वेक्टर में बहुत कम लोग किए होंगे, देने को तो दिया है सिलेबस में लेकिन करते बहुत कम लोग हैं, कर ही नहीं पाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर लगाएं ट्रायंगल लॉ, क्या लगा दें, ट्रायंगल लॉ। तो देखो ओ पी प्लस पी क्यू इजिकल टू ओ क्यू, दिख रहा है ना, OP प्लस पी क्यू इजिकल टू ओ क्यू, यही होता है ट्रायंगल लॉ। तो देखो यहाँ पे तो OP प्लस पी क्यू इजिकल टू ओ क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है तो ओ क्यू माइनस ओ पी लिखेंगे, सेम यही हमने 2D में भी बताया था, बस यहाँ क्या है एक जेड एक्सिस हमारा बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ है, देख रहे हो ना। अब यहाँ जेड क्या किया है, प्लेन में करके वाई को हवा में कर दिया, तुम किसी एक को हवा में कर लो उससे नहीं मतलब है, तो पी क्यू हो गया, तो आर टू माइनस आर वन आया। अब वेक्टर फॉर्म में अगर उसको लिखोगे तो दोनों को माइनस कर दोगे, तो क्या आया x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप, ये निकल गया PQ वेक्टर। तो जब PQ वेक्टर पता चल गया हमको, हमको अब उनका निकालना है PQ के बीच का डिस्टेंस, तो सिंपल सी बात है मॉड लगा दे, ठीक है ना, मॉड पी क्यू। तो दस द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर पी क्यू, बस पी का मैग्नीट्यूड निकाल देना है हमको, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हर कोई निकालने आता होगा, फिजिक्स में भी पढ़े हो, क्लास इलेवेंथ के पहले दूसरे चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है वेक्टर, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, स्केलर वेक्टर पढ़े होगा, ठीक है ना। तो पी क्यू हमारा कितना आ गया, ये बन गया हमारा फार्मूला, देख रहे हो, दिस इज द फार्मूला, ये हो गया हमारा फार्मूला, दो पॉइंट के डिस्टेंस का फार्मूला। क्या है अंतर 2D और 3D में, क्या अंतर है, बस ये Z2 बढ़ गया हमारा, देख रहा हो ना, केवल ये बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ है, बाकी सारा फार्मूला अगर ये हट जाए, ये हटा दो तो यही ना फार्मूला बनेगा हमें, ये 2D का हो गया, अगर पूरे को ले लो तो 3D का फार्मूला बन जा रहा है। तो यही होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। एक तरीका और होता है इसको बनाने का, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि क्यूबॉइड फॉर्म करते हैं, यानी उस पी और क्यू पॉइंट को डायगोनल मानते हुए हम एक क्यूबॉइड फॉर्म करते हैं, देखते हैं अगर बन पाता है तो, एक बार अगर क्यूबॉइड मिल जाए हम लोग को, ठीक है ना। देखो ये रहा क्यूबॉइड इसी तरह का, ठीक, तो देखो ये क्यूबॉइड है हमारा, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम एक डायगोनल बना देते हैं, इसमें एक डायगोनल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, डायगोनल डायगोनल ले लेते हैं, जैसे ये हमारा डायगोनल हो गया, कोई भी डायगोनल, जैसे मान लो यहीं पर ओरिजिन हो गया, तो इसको अब कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, ये मिल गया, ठीक है, ये हमारा डायगोनल हो गया। अब इसको हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं पी पॉइंट, इसको ले लेते हैं क्यू पॉइंट, देख रहे हो ना। तो डायगोनल वाले कॉन्सेप्ट से भी हम चाहें तो बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ P और Q से को डायगोनल मानते हुए हमें क्यूबॉइड बनाते हैं। क्यूबॉइड क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्यूबॉइड कंस्ट्रक्ट करने के पीछे हमारी लॉजिक होती है, हम हर दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, कहाँ कहाँ, तीनों प्लेन पे। तो जब तीनों प्लेन पे डालोगे परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन, ये जो ब्रेथ है हमारी, ठीक है ना, ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, ठीक,
वाई टू माइनस वाई वन, और जो हाइट हो जाएगी, ये जो हाइट है हमारी, ये जेड टू माइनस जेड वन। तो बताते जानते हो कि वाइड में लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट। देखो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारा क्या होगा इसमें, ठीक ना, लेंथ ऑफ डायगोनल हमारा क्या होगा कि डायगोनल की जो लेंथ होती है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब वही सेम चीज यही आएगा भाई, देखो लेंथ क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन, ब्रेथ क्या है वाई टू माइनस वाई वन, हाइट क्या है हमारी जेड टू माइनस, तो वही फार्मूला मिला ना। तो वेक्टर हमारे लिए बहुत किसी काम को आसान बना देता है, जो काम कार्टेशियन में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा वेक्टर में बहुत इजीली लोगों को समझ में आ जाती है बात, इसलिए वेक्टर को हमेशा प्रीफर करना होता है, ठीक ना। तो वेक्टर को अगर हम अपने साथ रखें तो हम लोगों को थ्री डी सिमेट्री समझने में बहुत आसानी रहती है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है, अब इसके बाद सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग देखते हैं अब जरा सा, ये रहा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में बताया देखो क्या होता है, पहले पढ़े होगे जनरली 2D में, देखो पहले 2D में समझ लो इसको, जैसे मान लो ये लाइन हो गई, PQ पॉइंट हो गया, ये हो गया X1 एंड Y1, ये हो गया हमारा X2 Y2, कोई पॉइंट R है जो इसको M इज टू N में डिवाइड कर रहा है, तो R का कोऑर्डिनेट हो गया XY, तो XY बराबर हम लोग क्या लिखते हैं M X2 प्लस N X1 अपॉन M प्लस N लिखते हैं। सेक्शन फार्मूला टेंथ क्लास में भी बताया गया, ठीक है, वही वाला है तो हम सेम 2D के लिए, 3D में क्या है बस Z कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है हमारा, ठीक ना। तो देखो तो ये हो गया, कॉमा देके यहाँ लिखो M Y2 प्लस N Y1 अपॉन M प्लस N, यही 3D जब करोगे तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना M Z2 प्लस N Z1 अपॉन M प्लस N, एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। तो ये क्या है इंटरनल डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं इंटरनल। यही अगर हम कुछ इस तरह से बनाएं, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा M और ये हो गया हमारा N, तो ये क्या है एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक ना, एक्सटर्नल डिवीजन। ये पॉइंट हो गया X2 Y2 और ये पॉइंट हो गया X1 Y1, तो उस केस में एक्सटर्नल डिवीजन में फार्मूला लगेगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, देख रहे हो ना, ये इंटरनल डिवीजन हो गया। यही आर मान लो मिड पॉइंट है, आर क्या है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट में एम और एन की वैल्यू वन वन हो जाती है, तो मिड पॉइंट के केस में फार्मूला क्या बताते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये सब टेंथ क्लास की चीज़ें हैं, ठीक है ना, कुछ बहुत विशेष नहीं है, लेकिन हाँ थ्री डी में जब देखेंगे तो यही चीज़ ट्वेल्थ में आ जाएगा, ट्वेल्थ में ये भी बताया गया कि डिवीजन ऑफ टू पॉइंट। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो एक पॉइंट हमने लिया P, एक पॉइंट हमने लिया Q, दो पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया भाई, ठीक है, उसको चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग भाई, कोऑर्डिनेट में देख ले वेक्टर में भी। तो देखो R1 की वैल्यू कितनी हो गई X1 आई, देखो यहाँ लिखा है ना R1 की वैल्यू X1 आई Y1 J Z1 के, R2 की वैल्यू X2 आई Y2 J Z2 के, दिख रहा होगा साफ साफ। और ये हो गया R, R मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी R डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q इन द रेशियो M इज टू N, देख रहे हो ना M इज टू N, M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ साफ साफ दिया पी आर अपॉन आर क्यू, देख रहे हो ना पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू एम बाई एन, दिया हमको एम बाई एन का रेशियो वहाँ बन रहा है, ठीक है ना, एम बाई एन का रेशियो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है एम आर क्यू इज इक्वल टू एन पी आर हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब आर क्यू पे लगा दो वेक्टर साइन, क्या लगा दे वेक्टर साइन भाई, मैग्नीट्यूड बराबर हम वेक्टर बराबर करने जा रहे हैं, तो अब आर क्यू का मतलब क्या हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, एंड पी आर का मतलब क्या हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा क्यू, क्यू का पोजीशन वेक्टर कितना है आर टू, तो आर टू माइनस आर, वो आर का पोजीशन वेक्टर कितना है आर है, देख लेना ध्यान से। उसी तरह यहाँ पे हो गया R माइनस आर वन, क्योंकि ओ आर माइनस ओ पी है, तो फार्मूला देखो यहाँ बन गया R इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना, कौन सा फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर दो तरीके से लिखा जाता है, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है बुक्स में, या तो बोल्ड में R लिखो, बोल्ड में, बोल्ड मतलब थोड़ा सा उसको गाढ़ा कर दो, ठीक,
और नहीं तो आर नॉर्मल लिख के वेक्टर साइन लगा दो, दोनों एक ही चीज होती है। अब यहां देखो ये जो आर है ना बोल्ड में लिखा हुआ है थोड़ा सा डार्क कलर में, और यहां पे जो आर है वो आर के ऊपर वेक्टर साइन बनाया गया, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डार्क कर दो तो भी वेक्टर है, साइन लगा दो ऊपर तो भी वेक्टर है हमारा, ठीक। तो ये देखो फार्मूला बन गया, ये क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला इंटरनल डिवीजन के केस में, क्योंकि प्लस लगा है इंटरनल डिवीजन, पॉइंट हमारा कहाँ है बीच में है, पी क्यू के बीच में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पी क्यू के बीच में होने के चलते दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना, इंटरनल डिवीजन कहा जाएगा हमारा। तो ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला बन गया। अब सबकी वैल्यू रखते चले जाओ, देखो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, आर टू आर वन की वैल्यू यहाँ पे, फिर आई जे के कोफिशिएंट इक्वेट कर लो यहाँ पे, देखो आई का कोफिशिएंट एक्स, आई का कोफिशिएंट एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई आई जे का कोफिशिएंट वाई, यहाँ वाई का देखो जे का कोफिशिएंट दिस। तो देखो ये फार्मूला बन गया, देख रहे हो ना, दिस इज द कार्टेशियन फार्मूला ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन इंटरनल डिवीजन। अंतर क्या है, बस जेड कोऑर्डिनेट बढ़ गया, टू डी में देखो वही जेड नहीं था हमारे पास, देख रहे हो ना यहाँ पे यही जेड हमारा यहाँ गायब है, थ्री डी में वही जेड हमारा इंक्रीज कर जा रहा है, देख रहे हो। बस इसके चलते ये फार्मूला किसका हो गया, थ्री डी का हो गया, यही हटा दो तो टू डी का हो जाएगा, एकदम सेम चीज है, ठीक है ना, कुछ खास अंतर नहीं है सेक्शन फार्मूला में। अब वही बात, अगर एक्सटर्नल डिवीजन करना होगा तो बस यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस से, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस लगा दो, मिड पॉइंट है तो एम एन की वैल्यू वन कर दो, तो मिड पॉइंट है तो पॉइंट, जैसे मान लो आर इज द मिड पॉइंट, ठीक है, आर इज मिड पॉइंट, तो अगर मिड पॉइंट है तो उस केस में आर बराबर हो जाएगा आर वन प्लस आर टू बाई टू, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ना। वही अगर एक्स वाई जेड में लिखोगे तो एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, जेड वन प्लस जेड टू बाई टू, मिड पॉइंट हो गया हमारा। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में माइनस लगा देते हैं हम लोग, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टीयर हम लोग का सेक्शन फार्मूला, ध्यान से देखना वही सारी चीजें हैं जो टेंथ और ट्वेल्थ में पढ़े हो, कुछ खास बहुत विशेष नहीं है, बस हाँ रिविजन जरूरी है, रिविजन नहीं करोगे तो परेशानी होगी। अब देखते हैं सेंट्रोइड, नॉर्मल चीज है, बहुत विशेष नहीं है। हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अपने से भी लेके देख लेते हैं एक तो ट्रायंगल, ठीक है ना, जैसे एक ट्रायंगल हम लोग ले ले, जैसे ये ले लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ट्रायंगल में आता है मिड पॉइंट, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, सेंट्रोइड का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के सारे मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। सो मतलब अब देखो, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, अब देखो ये ए हो गया, देखो ये हमारा ए हो गया, यह हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर आर वन, इसका पोजीशन वेक्टर आर टू, इसका पोजीशन वेक्टर आर थ्री, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो गया, दिस इज द मिड पॉइंट, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, E is the midpoint of AC, F is the midpoint of AB. तो obvious सी बात है, midpoint का formula क्या बताया है, R1 plus R3, R1 plus R1 plus R3 by 2, ठीक है। वही अगर D का coordinate देखोगे तो क्या लिखोगे, R2 plus R3 by 2, और इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, R1 plus आई टू बाई टू, देख रहे हो ना। तो मिड पॉइंट यही हो गया हमारा सेंट्रोइड, देख रहे हो ना जी। इसका काम क्या होता है, इस मीडियन को टू इज टू वन रेशियो में डिवाइड करना, इसका काम होता है मीडियन को टू इज टू वन रेशियो में डिवाइड करना, सेंट्रोइड यही होता है। तो भाई सीधा है, लगा दो कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। देखो यहाँ पे लगा दिया हमने सेक्शन फार्मूला, देखो डी का कोऑर्डिनेट ये आ गया, ठीक है ना, डी का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया, ठीक, डी का कोऑर्डिनेट हो गया ये,
मिड पॉइंट बना दिया। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो r2 प्लस r3 बाई 2 लिख लो, कार्टेशियन में लिखना है तो x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, z2 प्लस z3 बाई 2। अब बताया ना कि g डिवाइड AD इन द रेशियो 2:1, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे D के कोऑर्डिनेट से और 1 को मल्टीप्लाई करोगे A के कोऑर्डिनेट से। तो देखो 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1, ये आ गया। फिर उसी तक कर लोगे तो ये बन गया सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड का फार्मूला होता है यही x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। सेम चीज अब फिर से जान लो कि अगर 2D सिस्टम होता जहां कोऑर्डिनेट x1 y1 के फॉर्म में होते, ठीक है ना, तो वहां पे फिर ये चीज कम हो जाता हमारा, ठीक है ना, 2D के फॉर्मेट में हम बताते, तो वहां पे z कोऑर्डिनेट ये गायब हो जाता। अगर 2D होता तो 3D है तो z बढ़ गया हमारा, ठीक वही सेम चीज। तो ये हो गया सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, मैक्सिमम लोग को याद होता है, वेक्टर फॉर्म में ये लिखोगे। अब इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, जी का कोऑर्डिनेट अगर हमको डिराइव करना है, तो जी का कोऑर्डिनेट अगर हमें डिराइव करना है तो देखो क्या लिखते हैं, जी बराबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू r2 प्लस r3 बाई 2 प्लस 1 इंटू r1 बाई 2 प्लस 1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया r1 प्लस r2 प्लस r3 बाई 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इन ऑफ एनी ट्रायंगल ABC इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हमारा हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हमारा हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन। सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन, देख लो यहां पे टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या होता है, टेट्राहेड्रन जानते हो मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रन होता है, मीथेन CH4 देखे हो गे? तो CH4 को जरा हम लोग यहां पर बना के देखें कि CH4 किस तरह का बनता है हमारा, कुछ इस तरह का बनता है। देखो यही है हमारा टेट्राहेड्रन, देख रहे हो ना, सिंपल यही है। चार इसमें वर्टेक्स होते हैं, कौन कौन से, ए, एक मिनट, देखो ए बी सी डी, ये चार हमारे पॉइंट होते हैं ABCD, ठीक। नीचे होता है ट्रायंगुलर शेप, हर सरफेस इसका ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं। टेट्राहेड्रन का मतलब चार सरफेस से घिरा, मतलब चार ट्रायंगुलर सरफेस से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, जो एरिजन है हमारा, वह कहा जाता है टेट्राहेड्रन। चार सरफेस होते हैं, चारों जो होते हैं ट्रायंगुलर होते हैं। जैसे देखो एक है ADC, एक है ADB, एक है ACB सामने वाला पोर्शन, एक बेस का हो गया BCD। तो टोटल हमारे चार ट्रेंगुलर सरफेस का ये रीजन होता है जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन का हमारा सेंट्रोइड देखना है कि हमारा क्या होगा। तो पहले हम नीचे वाले सरफेस का निकालते हैं सेंट्रोइड, तो हर सरफेस का सेंट्रोइड निकाल के फिर मिला दोगे तो रेशियो आएगा 3:1 में डिवाइड करता है उसको, देख रहे हो ना 3:1, यही चीज समझना है इसमें, ठीक है ना, यही चीज समझना है। देखो यहाँ पर 3:1, तो इसमें करते क्या है कि पहले हम इसका क्वाड्रेंट निकालते हैं G1 का, देख रहे हो ना G1 किसका सेंट्रोइड है, इस सरफेस BCD का, ये जो बेस का सरफेस है, देख रहे हो ना, ये जो बेस है हमारा नीचे का जो बेस है, मतलब यहाँ जो BCD है, ठीक ना, तो यहाँ भी BCD बना हुआ है, तो BCD, तो पहले हम BCD का सेंट्रोइड निकालते हैं। तो उसका सेंट्रोइड देखो ये होता है, देख रहे हो ना, x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 3, y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 3, z2 प्लस z3 प्लस z4 बाई 3। रीजन, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग बताते हैं x1 y1 z1, इसका b का बताएंगे x2 y2 z2, इसका बताएंगे x3 y3 z3, और इसको बताएंगे x4 y4 z4, ठीक है ना, जिसको हम लोग r1 r2 r3 से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक, जिसको हम लोग r1 r2 r3 और r4 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो पहले हम सेंट्रोइड इस सरफेस का निकालते हैं g1, और फिर उसके बाद हम इसके सबका निकाल के फिर सबको आपस में मिला देंगे। तो जब मिलाते जाएंगे तो फिर हमको बनता है सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन, ठीक ना। लेट जीवन, देखो यहाँ लिखा है ना, लेट जीवन बी द
लेट जीवन बी द, देखो लेट जीवन बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी का हमने सेंट्रॉइड ले लिया, फेस ऑफ द ट्रायंगल जो नीचे का हमारा सरफेस है फेस, सिंस वी नो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ए बी सी डी विल लाई ऑन ए जीवन एंड विल डिवाइड ए जीवन इन अ रेशियो 3:1। ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है फार्मूला डिराइव करने के लिए कि उसकी खासियत होती है कि जब ए को जीवन से मिलाओगे, मतलब इस ए को इस जीवन से जब मिलाओगे तो इसका जो सेंट्रोइड होगा जी, ये इसको 3:1 में डिवाइड करता है, ठीक है ना। मतलब अब इसका सेंट्रोइड इस सरफेस का सेंट्रोइड इससे मिलाया जाएगा, इस सरफेस सारे सरफेस के सेंट्रोइड को अपोजिट वर्टेक्स से हम मिलाते हैं, हर सरफेस के सेंट्रोइड को सामने वाले वर्टेक्स से हम मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो जो हमारा फिगर बन के आएगा, मतलब जो चार लाइन होंगी वह चारों लाइन एक दूसरे को जहाँ कट करेंगी, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन, ठीक है ना। उसका काम यही है, ठीक। तो हर सरफेस के सेंट्रोइड को सेंट्रोइड सामने वाले वर्टेक्स से हमको मिला देना है, तो चार लाइन हमें मिलेगी, चारों लाइन जहाँ कटेंगी वो दैट इज अ सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन। उसका काम क्या है कि उसको काटता है वो 3:1 रेशियो में, देख रहे हो ना, 3:1 रेशियो है जी, इज अ सेंट्रोइड ऑफ द ए बी सी डी। तो पहले हम जी1 का क्वाड्रेंट देख लिए, अब फिर हमने जी का क्वाड्रेंट देखा। तो जी में देखो बारी बारी से सबका निकाल रहा है, वेक्टर फॉर्म में निकालोगे ज़्यादा आसान पड़ेगा, कार्टेशियन में बारी बारी से करना पड़ेगा। एक्स के लिए क्या करोगे, 3 into ये क्या है g1 का x क्वाड्रेंट प्लस 1 into a का x क्वाड्रेंट, दोनों को सॉल्व किए 4 आ गया। तो ये फार्मूला बन गया 4 के टर्म में। ट्रायंगल में क्या था, अपॉन 3 था, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। और सेंट्रो टेट्राहेड्रन में क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई कितना 4 आ गया हमको, देख रहे हो ना। इसी तरह y, तो यही है हमारा सेंट्रोइड, ठीक ना, किसका, टेट्राहेड्रन का। तो इस तरीके से हम लोग 2D और 3D को ध्यान से समझने की कोशिश किया। इसको एक बार और बढ़िया से रिवाइज कर लेना, नोट्स मिल जाएगा, ठीक ना। और बढ़िया से रिवाइज करने के बाद हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले क्लास में, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग इसका प्रॉब्लम्स देखेंगे कि प्रॉब्लम हमसे होता है कि नहीं होता। अभी तो हमने खाली कॉन्सेप्ट देखा, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करने के बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक ना। पूरे 3D ज्योमेट्री का जो की होता है, जैसे एक तरह से कहा जाए, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, बहुत लोग इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है। तो उस चीज़ को हम लोग प्रॉब्लम के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसकी थियोरी पहले देखेंगे, आखिर डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो है क्या हमारा, ठीक। तो इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो इसको रिवाइज करते रहिए, आगे देखा। अगर आप और भी ऐसे वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, BSc सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टैट का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप DNS एजुकेटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे या कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर आप हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं BSc मैथ सेकेंड सेमेस्टर का, तो ₹1250 में आपको एक कोर्स मिलेगा जो कि वन टाइम फीस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार आप पेमेंट करेंगे तो ये कोर्स आप पूरा करेंगे, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। 3 months में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और 1 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको लाइव डाउट सेशन, क्लास नोट्स, PDF, प्रीवियस पेपर उसका सोल्यूशन, मॉडल पेपर और स्पेशल गाइडेंस थ्रू टिल एग्जाम, यानी कि सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो आज ही प्ले स्टोर से DNS एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।